क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कहानी केवल युद्ध और रण कौशल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे छिपी है रोचक कहानियाँ और दिलचस्प पात्र। आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की, जिन्हें हम कौरवों के नाम से जानते हैं। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के नाम इस प्रकार है: दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुशल, जलसंघ, सम, सहविंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, विकर्ण, शल, सत्वान, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानंद, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बालाकी, बलवर्धन, उग्रायुद्ध, सुषेण, कुंडधर, महोदर, चित्रायुद्ध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संघ, जरासंघ, सत्यसंघ, सदसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराज, जय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्च, आदित्य, केतु, बहवाशी, नागदत्त, उग्रशाई, कवच, क्रथन, कुंडी, भीम, विक्र, धनुर्धर, वीर बाहु, अलोलुप, अभय, दृढ़ कर्मा, दृढ़ रथाश्रय, अनादृश्य, कुंड भेदी, विरवि, चित्र कुंडल, प्रथम, अमा, प्रमाथि, दीर्घ रोमा, सुवीर्यवान, दीर्घ बाहु, सुजा, कनकध्वज, कुंडाशी, विरज, युयुत्सु। इन 100 कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र और गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था।